देखा YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बांसुड़े का दिन। कल रात को हमने सारा खाना बनाया था माता के लिए, पूजा के लिए ठंडा खाना बनाया था। जो ये जो बांसुड़े के ऊपर जो माता होती है, शीतला माता होती है, उनके ठंडा पकवान का और खाने का भोजन का भोग लगता है। तो और ये बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चों के लिए माता पूजी जाती है। और जो घर में परिवार में दुख दारिद्र बीमारी होती है, उन सबके लिए ये माता पूजी जाती है कि हे माता रानी, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे बच्चों पे आप रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की और हमारे पूरे परिवार की। तो इस तरीके से ये सारी हम जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, पीहर ससुराल में बताया, मम्मी ने बताया, सासू माँ ने बताया, उस हिसाब से हम लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं और हम भी अपनी बेटी और बहू को बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, कल सारा खाना बनाया मैंने और अभी पूजा करने जा रहे हैं। ये थाली लग चुकी है माता रानी की। तो इसमें सारे जो भी खाना है, सारा ठंडा भोजन है, ये रोटी है, पूड़ी है, चावल है, दही है, राबड़ी है और पुए पकौड़ी, सारे आइटम मैंने बनाए और इन सबको ले जाके माता के वहाँ चढ़ाए जाएंगे। और फिर वहाँ पे जो कुम्हार है वो बैठी रहती है, उन वहाँ उनके एक बैठी रहती है दीदी, उनको ये सारा भोजन दे दिया जाता है पूजा करने के बाद में। तो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं। आपको भी दिखाती हूँ मैं कि राजस्थान में किस तरीके से यह पूजा की जाती है और क्या क्या बनाया जाता है। तो चलते हैं और दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने बनाए हैं, मैंने मीठे में तो ये मोहनथाल बनाया है जो कि बेसन की चक्की बोलते हैं इसको, और इसमें मावा वगैरह डाल के और बनाया जाता है। ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बांसुड़े पे तो विशेषकर, होली और बांसुड़े पे तो विशेषकर बनाई जाती है। बाकी इसके अलावा मैंने दही बड़े, कांजी बड़े और चावल दा और पूड़ी पकौड़ी पुए और माता की पूजने की राबड़ी रोटी, ये सभी सामान मैंने बनाया और मैंने पूजा करने के लिए जा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है दोस्तों। आपके यहाँ कैसे होती है तो आप भी बताइएगा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। थोड़ा घर से थोड़ी सी दूर है तो पैदल भी जाया जा सकता है, तो मैं पैदल ही जा रही हूँ पूजा करने के लिए और हम वहाँ पहुँच जाएंगे 2 से 3 मिनट में। तो चलते हैं, पूरा सामान ले लिया मैंने माता रानी का और चलते हैं। देखो गला तक दाब गई माता जी, देखो सपड़ा लेने वाले निगाह चित्र से फोटो खींचो, ये मेरी पूरी माता की इस दी देख। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की पूजा कर ली और अब हम घर जा रहे हैं। पहले हम रास्ते में बीच में होली माता की पूजा करेंगे जहाँ पे होली का दहन होता है, और अब हम घर जा रहे हैं। और ये हमारा पल्लू माता की पूजा करके आ गए हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी पूजा में, लाइन लगा के पूरा सिस्टम से किया, लेकिन भीड़ थी, लेकिन लाइन लगाने की वजह से बहुत ही अच्छे से पूजा हुई और माँ से मनोकामना मांगी पूरे परिवार के लिए, जो कि मेरे आप भी मेरा परिवार हैं सब लोग, आपके लिए सबके लिए मैंने सुख समृद्धि की प्रार्थना की और माता से यही मांगा कि हे माता सबको सही रखना, स्वस्थ रखना और सबका कल्याण करें। आज है बांसुड़े का दिन और हम इकट्ठे हुए हैं। आज बस अद्भुत खेल होने वाला है। गणगौर के जो होली की पूजा होती है उसके बाद में 8वें दिन पे बांसुड़ा मनाया जाता है। बांसुड़े के दिन सुबह शीतला माता की पूजा होती है और उसके बाद में छोटे बच्चों को दुल्हा दुल्हन बना के और मंदिर ले जाया जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाता है। छोटे बच्चों को दुल्हा दुल्हन इसलिए बनाया जाता है, शिव पार्वती के रूप में अपन ईश्वर गणगौर की पूजा करते हैं, उसके लिए उसके प्रति रूप में उन बच्चों को बनाया जाता है, फिर अपन गणगौर लेके आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, बाकी पूजा की जाती है। और गणगौर राजस्थान का मुख्य त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है और सभी संप्रदाय के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं।
और एंजॉय करते हैं। महिलाओं के लिए जो 18 दिन होते हैं बहुत एंजॉय के ही होते हैं। 16 दिन, 16 बोलने में 16 होते हैं, बोलने में 16 होते हैं लेकिन 18 होते हैं। तो कुछ लोगों को मालूम नहीं है और कुछ लोगों को मालूम है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ये सेल्फियां बन रही है सब लोग, और ये इधर भी आपके लेट है तो फिर हम जाएं। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे दूल्हा दुल्हन आए नहीं है। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? दूल्हा दुल्हन आ गए क्या? कहाँ है ढोल वाला? कहाँ है दूल्हा दुल्हन? इधर देखो। तो आपको दूल्हा दुल्हन से भी मिलवाती हूँ मैं। और दूल्हा दुल्हन कहाँ है? हाँ आ जाओ दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन जोड़ी बनाओ आ जाओ। तो जैसा कि अभी बता रहे थे वो भाभी जी की शिव और पार्वती का प्रतिरूप बनाया जाता है। दुल्हन पीछे छुप गई है और दूल्हा आगे है। दुल्हन क्या? अरे भाई घूंघट मत निकालो, मॉडर्न दुल्हन है। तो इस तरीके से तैयारियां हो गई है क्योंकि आज बांसोड़ा है तो खाना बनेगा नहीं, तो सब महिलाएं एंजॉय करती है इस पल को। सोना आंटी की तरफ से पार्टी है और आज पार्टी रेखा आंटी की तरफ से है और डेली 8 दिन पार्टी चलेगी। चलो मैं तो बाहर भी दे दूंगी, मैं तो बाहर भी दे दूंगी। ये लो आजा, उनको पहले से जाना है बाल कटवाने। भाई भाई जिसको बाहर जाना है ना उसकी बात अलग है, जो हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से ये मनाया जाएगा और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो गए और ये हमारी प्यारी सी दुल्हनिया आ गई, मॉडर्न दुल्हनिया। और हमारा जो ये बजाएगा ढोल ये बच्चा भी आ गया। तो मिलते हैं आगे। जो हमने शिव पार्वती का प्रतिरूप बनाया था उन सबको हम लेके नाचते गाते हुए हम मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मंदिर में पूजा वगैरह करवाई जाएगी और सभी जो महिलाएं हैं सब डांस करेंगी। और भी काफ़ी बच्चे आए हैं यहाँ पे। हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाया जाता है, हर महिला के मन में उमंग होती है। तो सभी अपने अपने हिसाब से दूल्हा दुल्हन बना के लाए हैं यहाँ पर और सब एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से राजस्थान का यह जो बांसुड़े का पर्व है वो मनाया जाता है और गणगौर होली से 8 दिन बाद में जो बांसुड़ा आता है उस पर यह मनाया जाता है। बहुत ही मुख्य त्यौहार है और सभी लोग एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है वो किस तरीके से है। आप सारा सबके ड्रेस वगैरह रंग बिरंगी देखेंगे और कलरफुल
ब्यूटीफुल देखेंगे, बहुत ही एंजॉय किया जाता है। और लहंगा चुन्नी यहाँ का मुख्य ड्रेस होती है महिलाओं की, क्योंकि जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन पे महिलाएं पहनती हैं और बड़े उत्साह से पूरी जेवर ज्वेलरी वगैरह पहन के। ये देख सकते हैं आप, छोटी सी बच्ची ये भी दुल्हन के रूप में आई है, मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने इसको प्यार किया और ये बहुत खुश हो रही थी दुल्हन बन के। और इसने अपनी मम्मा की गोद में है, ये बच्चे पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, तो कुछ बच्चे मम्मा की गोद में आ चुके थे। ये देखिए पूरा मंदिर भरा हुआ है, ये देखिए दुल्हन आ गए। तो इस तरीके से यह त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि पासोड़े के दिन सीता माता की पूजा होती है। और हमारे यहाँ राजस्थान में और भारत में भी कई जगह पर यह त्यौहार मनाया जाता है और ठंडा खाना खाया जाता है, तो इस तरीके से यह त्यौहार मनाया जाता है। चारों तरफ दुल्हा दुल्हन बने हुए हैं और यही नजारा है, चारों तरफ देखने को मिलेगा आपको। इसी तरीके से आज का ये फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, तो आप भी एंजॉय कीजिए। Thank you.
राणा जी माफ करना, मैं बीमार ऐसी हो गई, मुझको राणा।